रणवीर का नाम लेकर चिल्लाइए। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। रणवीर के इतने करीब होने के बाद भी तुम उससे इतनी दूर हो। अगर मैं शायर होता ना तो उस पर कमाल की शायरी लिखता। अगली बार कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, मेरे लोग बिना शय के तुम्हारे पिताजी को मात दे देंगे, समझी? सिर्फ एक घंटा बचा है for Anvi to find you before sunset. मैडम, धागा खरीद लो ना। इस धागे को बांध के जो भी आप मन्नत इस मजार पे मांगेंगे वो पूरी हो जाती है। साहब, दो चाहने वाले हमेशा के लिए एक हो जाते हैं इस मजार पे। हाँ जनाब, धागा बांधो और जो चाहो मांगो बाबा से, मन्नत पूरी होगी। रणवीर, मजार पे जाके धागा बांधते हैं, मुझे भी मन्नत मांगनी है। रिया, हमारे पास बहुत कम टाइम है, सनसेट होने वाला है। पहले जाकर सुहानी को ढूंढते हैं, सुहानी मिल जाएगी, उसके बाद हम सब आकर यहाँ पर चादर चढ़ाएंगे। अभी नहीं भाई सर, बाद में। फिर तो मैं और सुहानी धागा जरूर बांधेंगे। मन्नत का धागा मैं सिर्फ रणवीर के साथ बांधूंगी। तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है सुहानी। है तुम भूल रही हो कि मेरे लोग तुम्हारे घर वालों की देखरेख में लगे हुए हैं। गाड़ियाँ क्यों रुकी हुई? वो आगे रास्ता बंद है, खुलने में टाइम लगेगा। बेहतर है आप यू टर्न लेके वहां से निकल जाइए। थैंक यू। यू टर्न ले लो। जी सर। गाड़ी रोको। क्या हुआ रणवीर? तुम ठीक कह रही थी रिया,
हमें इस दरगाह पर जाना चाहिए। सोचा था कि आपके दर पर आकर मैं रणवीर के साथ धागा बांधूंगी, पर क्या मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी? क्या आप इस बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी रहमत का हिस्सा नहीं बनाएंगे? सुहानी, रणवीर, सुहानी, सूरज ढलने में अब भी एक मिनट बाकी है, लेकिन तेरा सूरज हमेशा के लिए ढल चुका है। कहा था ना तुझसे, तू सुहानी को दुनिया के किसी भी कोने में ले जा, मैं उसे ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाऊंगा। निक, मैं मेरी सुहानी तक पहुंच गया। सुहानी को तो मैंने बचा लिया, पर अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा? पर तुझे मैंने अपनी आंखों से आगे जाते हुए देखा था। जिस ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी बनाई है, उसी ऊपर वाले ने हमें यहां पहुंचाकर मिला दिया, क्योंकि सुहानी सिर्फ रणवीर की थी, है और हमेशा रणवीर की रहेगी। सुहानी मेरी है, शादी की है मैंने उससे। वैसे तू कौन सी शादी की बात कर रहा है? वो धोखे वाली शादी, या वो रिश्ता जिसे वो खुद एक रिश्ता नहीं मानती, जिस रिश्ते के कोई मायने नहीं है? आज के बाद सुहानी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। सुहानी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। आज के बाद जब भी तू इसे मिलेगा, नजरें झुका के मिलेगा।
सुहानी तो तेरी तब बनेगी ना जब तू जिंदा रहेगा। तुझे क्या लगा था कि मैं सुहानी के साथ सिर्फ हनीमून मनाने आया हूं यहां पर? मुझे पता था तू सुहानी को ढूंढते हुए यहां पर जरूर आएगा, लेकिन रणबीर तू आ तो गया है लेकिन अब यहां से जा नहीं पाएगा। रिलैक्स, गरम पानी पी लो। तुम ठीक हो? मैं आ गया हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। भरोसा है मुझ पर? सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। अंश मुझे तुमसे जितना दूर ले जा रहा था ना, मैं तुम्हारे उतने ही करीब आ रही थी रणवीर। हर वक्त हर पल मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। पता है, कुछ पल तुम्हारे ना होने से मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन तुम अंश के साथ आने को तैयार कैसे हुई? अब तो तुम्हारे पापा भी चाहते हैं कि तुम उससे दूर रहो, तो फिर उसने तुम पर कौन सा प्रेशर बनाया? अंश ने पापा को मारने के लिए अपने गुंडे भेज दिए थे। तो मुझे उसकी वीडियो दिखा दिखा के धमक की दे रहा था कि अगर मैंने अंश की बात नहीं मानी तो वो अपने लोगों को फोन कर देगा और उसके लोग पापा को। अब राकेश अंकल को कुछ नहीं होगा। फोन आया रणवीर। हाँ भाई, कहाँ है तू यार? और सुहानी मिली क्या? मिल गई। Thank God यार। यार वैसे मुझे पता ही था यार तू सुहानी को ढूंढ ही लेगा। और बता, फोन कैसे किया? अंश ने राकेश अंकल के पीछे कुछ गुंडे छोड़े हुए हैं। कमिश्नर अंकल को फोन करके वहां पुलिस प्रोटेक्शन भेज दे। राकेश अंकल को कुछ होना नहीं चाहिए। भाई अंकल को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। मैं कमिश्नर अंकल को अभी फोन करता हूँ। ठीक है। अरे अंश ने राकेश जी के पीछे गुंडे लगाए यार, चल 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 चल। अब क्या तमाशा करेगा रणवीर?